तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस। ओके, मतलब कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका सरफेस गिवन है स्टूडेंट्स, ठीक है, सरफेस गिवन है, गिवन सरफेस। अब देखो गिवन सरफेस शब्द का जब उसने यूज किया है और आपको कर्व सरफेस एरिया नहीं बोला उसने, तो आप टोटल सरफेस एरिया लोगे। क्या लोगे? जब गिवन सरफेस उसने बोल दिया तो वो किसकी बात कर रहा है? टोटल सरफेस एरिया की। मतलब याद है ना आपको कि अगर भाई कोई सिलेंडर होता था, ठीक है, तो उसका रेडियस अगर आर होता है और ठीक ये, और उसकी हाइट अगर एच होती थी, तो याद है आपको टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालते थे? एक तो कर्व सरफेस एरिया होता था, ठीक है, जैसे ये मान लो ये सिलेंडर है तो ये हो गया कर्व सरफेस, मतलब ब्रश लो और यहाँ साइड में पेंट करो तो ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक। और टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये टॉप वाला एरिया, ये पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता था हमारा, हमारा होता था कर्व सरफेस एरिया 2πRH, और टॉप का एरिया अगर ऐड कर दोगे दोनों टॉप, मतलब टॉप और बॉटम का, तो पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल है ना, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 2πR स्क्वायर, ठीक है। तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, सॉल्यूशन में हमने कहा कि भाई लेट एस बी द सरफेस एरिया, ठीक है, एस क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो ये जो एस है ये गिवन है, इसका मतलब इस एस को हम कॉन्स्टेंट बोलेंगे, इस एस को हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेंट, ये हमारे लिए कॉन्स्टेंट है। तो जो एस होगा वो होगा क्या? देखिए यहां से आप देख सकते हो क्या, एक तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2πRH, करेक्ट, और साथ में टॉप और बॉटम का एरिया, तो टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर और बॉटम का पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2πR स्क्वायर, ये चीज है। अब खास बात जरा देखिए, पता है क्या, देखो बच्चों समझो जरा, आपका ये कांस्टेंट है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, बात समझिए जरा, एग्जांपल मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि मान लो भाई 8 हमने लिखा, 8 इज इक्वल्स टू हमने लिखा कि भाई x प्लस y, तो ये x और y वेरिएबल है लेकिन इनको ऐड करने पर हमेशा कितना आता है 8, तो पता है क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? बहुत सारी। अगर आप x 2 बोलोगे तो y कितना हो जाएगा? 6, और अगर आप x 6 बोल दोगे तो y कितना हो जाएगा? 2, इस तरीके से। और कभी कभी क्या होगा कि x अगर 4 हो गया तो y भी 4, अगर x आपका x अगर आपका 1 है तो y 7 है, x अगर आपका 7 है तो y क्या है? 1। तो आप देख रहे हो इस x और y के वेरी करने से इस 8 पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन दोनों का सम हमेशा कैसा है? आता है 8। तो वही बात है यहाँ पर भी, क्या कि ये जो क्वांटिटी है, ठीक, ये वेरी कर रही होगी, 2 पाई तो कॉन्स्टेंट बट रेडियस आर स्क्वायर की वजह से ये पूरी क्वांटिटी क्या कर रही होगी? वेरी कर रही होगी। और ये 2 पाई आर एच भी क्या कर रहा होगा? आर और एच की वजह से ये भी क्या कर रहा होगा? वेरी कर रहा होगा। तो ये भी वेरी कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है, लेकिन दोनों का सम हमेशा क्या आता है? कॉन्स्टेंट आता है, और उसको हमने एस से दिखाया हुआ है, यानी कि एस इस क्वेश्चन में क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो इन्होंने हमको क्या बोला है कि शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इन सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द बेस। मतलब कि सरफेस एरिया हमको दे दिया गया, जैसे कि आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि भाई कोई आपको कोई अब वो जो टेंट लगाने वाले वो कौन से आते हैं, कपड़े आते हैं, तो सोचो हमने आपको एक फिक्स्ड एरिया का कपड़ा दे दिया, ठीक है, हमने बोला इससे सिलेंडर बनाओ, तो आप अलग अलग सिलेंडर बना सकते हो ना। अब देखो आप चाहें ऐसा सिलेंडर बनाओ, ठीक, और आप चाहें उसी कपड़े से ऐसा सिलेंडर बनाओ, ठीक है ना, ऐसा आप सिलेंडर बनाओ, और उसी कपड़े से आप चाहें ऐसा सिलेंडर बनाओ, तो आप क्या देख रहे हो, हर बार रेडियस और हाइट क्या हो जा रही है? चेंज हो जा रही, लेकिन जो कपड़े का एरिया है वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब और ध्यान रहे, ये टॉप से और बॉटम से भी बंद किया हमने इसको कपड़े से, ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ ये एक सिलेंडर का बॉक्स जैसा हमने बना दिया कपड़े से, ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कपड़े का सरफेस एरिया थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, जितना हमने आपको कपड़े का एरिया दिया था एरिया तो उतना ही रहेगा, यानी कि इस सिलेंडर का एरिया तो उतना ही रहेगा, चाहे आप ऐसा सिलेंडर बना दो चाहे आप ऐसा क्लोज सिलेंडर बना दो, ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया कपड़े का उतना ही रहेगा, लेकिन बार बार आर और एच क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रेडियस और डिफरेंस डिफरेंस हाइट के आपको सिलेंडर मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर मेरा जो कंक्लूजन निकल रहा है स्टूडेंट्स, वो ये निकल रहा है कि अगर मैं, आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी आर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर बी एच, तो रेडियस आर और एच अगर हम अज्यूम करें तो ये आर एंड एच आर वेरिएबल, आर वेरिएबल, ये वेरिएबल है, ये चेंज हो रही है, ठीक है। अब हमको वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, लेकिन जब हमको वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है तो हमको दिखाना क्या है उस टाइम कि हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, यही करना है। पढ़िए, कह रहा है एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट
मैक्सिमम वॉल्यूम तब, मैक्सिमम वॉल्यूम उसका तब आपको मिलेगा जब हाइट किसके इक्वल हो जाए, डायमीटर के इक्वल हो जाए, डायमीटर ऑफ द बेस के इक्वल हो जाए। यानी कि आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है वॉल्यूम अगर हम वी ऑफ एक्स अज्यूम करें और वी ऑफ एक्स को मैक्सिमम करते हुए, वी ऑफ एक्स को मैक्सिमम करते हुए आपको प्रूफ करना है कि एच इज इक्वल्स टू क्या जाता है, बेस का डायमीटर। क्या हो जाएगा बेस का डायमीटर, आर प्लस आर टू आर। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, अब सुनो सुनो, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा सिलेंडर का, वी ऑफ एक्स, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, कुछ और भी बताने वाला था मेरे दिमाग से उतर गया, चलो अभी आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस वॉल्यूम को आपको क्या करना है, मैक्सिमम करना है। अब फिर से वही प्रॉब्लम, क्या कि ये जो वॉल्यूम है स्टूडेंट्स, ठीक है, इस वॉल्यूम को वी ऑफ एक्स नहीं, मेरे को वी ऑफ आर लिखना चाहिए यहाँ पर। वी किसका फंक्शन है, वी आर का फंक्शन है। अब बच्चे बोलेंगे सर वी तो आर का भी फंक्शन है, एच का भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, रेडियस भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है। तो फिर से वही काम करेंगे क्या, कि हम क्या करेंगे, या तो हम इसको प्योरली आर का फंक्शन बना लें या तो हम इसको प्योरली एच का फंक्शन बना लें। ओके, तो हम एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से तो हम इसको प्योरली एच का फंक्शन बना लेते हैं। पता है क्यों, समझो समझो समझो, एच का बना लें या आर का बना लें, आर का बना लें, क्योंकि एच निकालना ईजी है ना। हाँ, एच निकालना ईजी है, ठीक है, तो हम आर का ही फंक्शन बनाते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, समझो जरा। तो ये जो था, सपोज ये इक्वेशन वन था स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं आराम से h को निकाल सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं r को निकालूंगा h के टर्म्स में, तो मेरे को देखो s तो कॉन्स्टेंट है, उसको छोड़ो, अगर मैं r को h के टर्म्स में निकाल के यहाँ पर पुट करूंगा तो ये h का फंक्शन तो बनेगा। लेकिन r को निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर देखो r है, यहाँ r स्क्वायर है, तो r में एक क्वाड्रेटिक है, बट h में ये लीनियर है, इसलिए h को निकालना बहुत ईजी है। अब आप ध्यान से चेक करिए, ये वाला राइट वाले को मैं लेफ्ट में और लेफ्ट को मैं राइट में लिखूंगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू एस। एस कॉन्स्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सरफेस एरिया को हमने एस से दिखाया है जो कि एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, यहाँ से एच आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे, ध्यान से चेक करिए, पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, सही है, तो 2 पाई आर जब कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया आर, और प्लस 2 पाई आर चला गया तो यहाँ बच गया एच इज इक्वल्स टू एस। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 पाई आर बोथ साइड, तो बोथ साइड हम 2 पाई आर से डिवाइड लगा रहे हैं, तो 2 पाई आर से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया और 2 पाई आर से हमने राइट में डिवाइड लगाया। ये 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया आर प्लस एच इज इक्वल्स टू एस अपॉन 2 पाई आर, करेक्ट। अब एच की वैल्यू निकाल दीजिए, तो एच इज इक्वल्स टू एस अपॉन 2 पाई आर और माइनस आर, आर इधर चला जाएगा तो माइनस आर यहाँ पे आपके पास हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए अगर r की वैल्यू निकालते तो आपको प्रॉब्लम होता, कैसे फटाफट देखते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू एस होता, तो यहाँ से अगर आप 2 पाई आर कैसे निकालते भाई, r की है ना, r की वैल्यू आती बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड आती है। ठीक है, तो हम नहीं निकालते उसको, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसलिए हमने दिमाग लगाया और हमने h की वैल्यू r के टर्म्स में निकाल ली। तो ये जो अब हमारा वॉल्यूम है जिसको हमको मैक्सिमम करना है, ये x का फंक्शन है कि x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो v ऑफ r इज इक्वल्स टू पाई, जैसे एक्स पे डिपेंड करता था ना, वी ऑफ एक्स होता था, ए ऑफ एक्स होता था, वैसे ही वी ऑफ आर है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इन टू एच की वैल्यू रखिए यहाँ पर, ये एच, एच की वैल्यू रखिए, क्या आइए, ये पूरा एच का वैल्यू है, रखिए, क्या हो जाएगा एस अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, माइनस आर। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो वी ऑफ आर इज इक्वल्स टू, अब इसको ना मल्टीप्लाई कर लेते तो ईजी हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एस, पाई आर स्क्वायर इंटू एस और अपॉन में 2 पाई आर, भाई ये यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी, यानी कि माइनस। अब देखो पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब, तो पाई आर स्क्वायर इंटू आर, पाई आर क्यूब, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, ये एक आर, एक आर से कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा वी ऑफ आर इज इक्वल्स टू एस इंटू आर, तो एस इंटू आर अपॉन में क्या बच गया आपके पास, 2 एस आर अपॉन 2 और माइनस पाई आर क्यूब, बस ये आ गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब जाके हमारा जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा ठीक ठाक हमको लग रहा है। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा और सुधार के लिख देता हूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको मैं लिख सकता हूँ एस अपॉन 2 इंटू आर, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ,
तो s अपॉन 2 इंटू आर भी लिख सकता हूँ मैं इसको, तो s अपॉन 2 इंटू आर, ऐसा मैंने इसलिए कर दिया, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। s कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सपोज हमने इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 2, तब हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू r, r के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, v ऑफ r का डेरिवेटिव v डैश ऑफ r हो जाएगा इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ध्यान दें प्लीज़, देखो r के आगे नंबर है ना, ये नंबर तो नंबर रहता है यार। अगर एक बार बताओ, अगर 5r होता तो 5r का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में 5 आता, अरे 5x का 5 होता था तो 5r का 5 होता r के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो s अपॉन 2r का क्या होगा, है तो ये नंबर ही ना 5 की तरह, तो s अपॉन 2 तो ऐसा ही रहेगा, और r का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में 1 होता है जिसको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि s अपॉन 2 इंटू 1 s अपॉन 2 हो जाएगा, और माइनस पाई ऐसे ही रहेगा। r क्यूब का डेरिवेटिव करोगे 3 आएगा आगे, और r की पावर में से 1 माइनस कर दोगे तो ये 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए, ठीक है, एक काम करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ हमको अगर हम अभी क्रिटिकल, चलो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको हमने थर्ड बोला, निकाल लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए, इसको जीरो के इक्वल रखो तो क्या हो जाएगा, s अपॉन 2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, इसको राइट में भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो s अपॉन 2 इज इक्वल्स टू जीरो में 3 पाई r स्क्वायर ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 पाई r स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, r का वैल्यू, क्यों, क्योंकि आप r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो r आपको क्रिटिकल पॉइंट देगा, है ना। इसको हम एक काम करते हैं, 3 पाई से बोथ साइड डिवाइड लगा देते हैं, तो 3 पाई से हमने राइट में डिवाइड लगाया, और 3 पाई से हमने लेफ्ट में जब डिवाइड लगाएंगे तो ये नीचे आके 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो s अपॉन 2 3 जो 6 पाई इज इक्वल्स टू 3 पाई से 3 पाई गया तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू s अपॉन 6 पाई, या r स्क्वायर इज इक्वल्स टू s अपॉन 6 पाई, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, अब देखिए स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान से, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्या, r इज इक्वल्स टू, इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई, ये आ गया आपका क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब प्लस माइनस नहीं लगाइए, क्योंकि रेडियस हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, इसलिए हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही यहाँ पर कंसिडर करेंगे, तो ये आ गया आपका r। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के चेक करेंगे कि r इज इक्वल्स टू s अपॉन, अच्छा एक चीज़ और, हमने h की वैल्यू भी निकाली हुई थी, अच्छा हुआ मैंने इसको रब नहीं किया, नहीं तो बड़ी परेशानी हो जाती अभी मेरे लिए, ठीक है। h की वैल्यू हमारे पास ये आई थी ना, तो इसको भी हम लिख लेते हैं कहीं पे, ठीक है। h की वैल्यू थी मेरे पास, क्योंकि भाई मुझे फाइनली क्या प्रूफ करना है, h इज इक्वल्स टू 2r ना, तो h की वैल्यू क्या है, s अपॉन 2 बाई r माइनस r, ऐसा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के ये चेक करेंगे कि ये जो v ऑफ r है, जो हमारा फंक्शन है v ऑफ r वॉल्यूम, तो ये फंक्शन क्या r इज इक्वल्स टू रूट ओवर s अपॉन 6 पाई पे मैक्सिमम है भी कि नहीं, क्योंकि वॉल्यूम को हमको मैक्सिमम करना था, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, r इज इक्वल्स टू समथिंग, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो हम इसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं, तो सपोज ये इक्वेशन 3 आई है, तो ये जो 3 आई है v डैश ऑफ r, इसको अगेन r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो v डैश ऑफ r का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, क्या इक्वेशन 3, ओके इक्वेशन 3 को हम r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो v डैश ऑफ r, v डबल डैश ऑफ r, v डैश ऑफ r का डेरिवेटिव v डबल डैश ऑफ r हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ध्यान दें s कांस्टेंट था 2, s अपॉन 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 0, इसको हमने 0 लिख दिया माइनस, अब देखो 3 पाई कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2r, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है वैसे आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, ठीक है। तो 2 आएगा आगे, 3 में मल्टीप्लाई करेगा 6 हो जाएगा, और साथ में r, ठीक है, ये हो गया, यानी कि v डबल डैश ऑफ r इज इक्वल्स टू माइनस 6 पाई r। अब देखो क्लियरली, अगर हम v डबल डैश ऑफ r, r की वैल्यू हम कितनी रखें, r की वैल्यू अगर हम रूट ओवर जो क्रिटिकल पॉइंट है s अपॉन 6 पाई रखें, तो यह जगह माइनस 6 पाई, r की जगह रूट ओवर s अपॉन 6 पाई। अब स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए क्या, कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई, ये तो पॉजिटिव ही ऑब्वियसली, क्योंकि रेडियस था पॉजिटिव है, पाई भी पॉजिटिव है, 6 भी है पॉजिटिव, तो आगे माइनस 1 से मल्टीप्लाई है, आप ऐसे बोल सकते हो, आगे ये पूरा पॉजिटिव है और आगे माइनस से मल्टीप्लाई है, तो क्लियरली ये नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो हमारा v डबल डैश ऑफ
आर एट आर इज इक्व टू रूट ओवर एस अपॉन सिक्स पाई पे नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये जो आर इज इक्व टू एस अपॉन सिक्स पाई है, यही क्या है हमारा, यही है हमारा पॉइंट ऑफ लोकल, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। यानी कि ये वही पॉइंट है जिस पॉइंट पे, मतलब जिस आर की वैल्यू के लिए हमारा वी ऑफ आर क्या हो जाएगा, वी ऑफ आर हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप अपनी कॉपी में यहाँ पर एक नोट लिखोगे इतना करने के बाद, ठीक है, क्या लिखोगे, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वी सी दैट एट आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर एस अपॉन सिक्स पाई द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम। ठीक, तो वॉल्यूम को हमने मैक्सिमम दिखा दिया कहाँ पर, आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर एस अपॉन सिक्स पाई पे। अब हमको अभी एक काम और करना है, क्या, कि वॉल्यूम तो हमने इस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम दिखा दिया, लेकिन अब आपको वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाने के बाद ये भी प्रूफ करना है कि क्या होता है, h इज इक्वल्स टू 2r हो जाता है, यानी कि हाइट डायमीटर के इक्वल हो जाती है, डायमीटर मतलब 2r के इक्वल हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इतना आप कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, हम निकालेंगे h की वैल्यू। ठीक है, तो h इज इक्वल्स टू s अपॉन 2 पाई r माइनस r, करेक्ट। तो s h इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर हम r की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो r की वैल्यू अगर रखोगे तो क्या हो जाएगा, एक चीज़ दिखाऊँ आपको, इसको आप क्या लिख सकते हो, s अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन r लिख सकते हो, क्योंकि s इंटू 1 s हो जाएगा, अपॉन में 2 पाई r हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर मेरा r कितना है, रूट ओवर s अपॉन 6 पाई, तो अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ, r के नीचे 1 अज्यूम करूँ, 1 अपॉन r कर दूँ, रेसिप्रोकल कर दूँ, तो 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, नहीं स्क्वायर रूट ऑफ 6 पाई अपॉन s हो जाएगा। ठीक, तो यही मैं आपको दिखाना चाहता था, h इज इक्वल्स टू s अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन r की जगह आप क्या रख सकते हो, रूट ओवर 6 पाई अपॉन, रूट ओवर 6 पाई अपॉन s और माइनस r, r कितना है आपका, रूट ओवर s अपॉन 6 पाई, करेक्ट। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ये हो जाएगा आपके पास, थोड़ा सा मशक्कत का काम है इसको सॉल्व करना, बट हो जाएगा, देखते हैं। देखो आपको पता है क्या कि इसको हम लिख सकते हैं s इंटू रूट 6 पाई अपॉन 2 पाई रूट s, ऐसे लिख सकते हैं, अरे भाई रूट a अपॉन b क्या होता है, रूट a अपॉन रूट b ही तो होता है। ठीक, तो इस पूरे को मैंने रूट 6 पाई अपॉन रूट s को, इसको भी रूट दे दिया 6 पाई को, इसको भी दे दिया, तो रूट ओवर 6 पाई अपॉन रूट ओवर s, और s इंटू रूट 6 पाई ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 पाई इंटू रूट s आ जाएगा, माइनस इसी तरीके से यहाँ पे किया, तो रूट s अपॉन रूट ओवर 6 पाई। ठीक है, तो ये हो गया, अब फाइंड करते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। देखो अब यहाँ पे आप LCM ले लो, इसका और इसको आप LCM ले लो, कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो बस सिंपली, तो नीचे हो जाएगा 2 पाई रूट s इंटू रूट 6 पाई। अब देखो इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करा, इसको उठा के इससे कर दो, इसको उठा के इससे कर दो, तो सोचो हो जाएगा s इंटू रूट ओवर 6 पाई इंटू, ये आएगा इधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि रूट ओवर 6 पाई और माइनस रूट s इंटू, और ये आएगा इधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 2 पाई रूट ओवर s। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, तो s इंटू देखो रूट ओवर 6 पाई रूट ओवर x इंटू रूट ओवर x, x होता है, तो रूट ओवर 6 पाई इंटू रूट ओवर 6 पाई क्या होगा 6 पाई, तो ये हो गया 6 पाई माइनस रूट s इंटू रूट s, s और 2 पाई। ठीक है, अपॉन ध्यान से चेक करो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 पाई इंटू, अब देखो ये आपने पढ़ा है क्या कि रूट ओवर a इंटू रूट ओवर b इज इक्वल्स टू रूट ओवर a इंटू b होता है। ठीक है ना, तो कुछ ज़्यादा ही हमारा ये खिंच गया है ऐसे, पर चलो सॉल्व करते हैं देखते हैं क्या होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर s इंटू 6 पाई, s x इंटू 6 पाई, यानी कि 6 पाई s हो जाएगा, ये a है ये b है, तो रूट ओवर a इंटू b यानी कि 6s पाई, 6 पाई इंटू है 6s पाई हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, अब क्या करें, अब सॉल्व करते हैं। h को हमको 2r के इक्वल लाना है, यानी कि पता है किसके इक्वल लाना है, 2r का मतलब क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2r का मतलब हो जाएगा कुछ ऐसा आ जाना चाहिए हमारे पास, 2 इंटू रूट ओवर s अपॉन 6 पाई कुछ ऐसा आना चाहिए। ठीक है, h 2r आने का मतलब है कुछ ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, अब देखो s 6 पाई माइनस s 2 पाई, s 4 पाई हो जाएगा,
अरे कॉमन ले लो यार, एस सिक्स पाई माइनस टू पाई फोर पाई, तो एस इंटू फोर पाई अपॉन अपॉन टू पाई इंटू रूट ओवर सिक्स एस पाई, करेक्ट। देखो टू पाई से पाई गया और टू वन जा टू टू जा फोर, तो ये आ गया टू टाइम्स एस और अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया रूट ओवर सिक्स एस पाई आ गया, ठीक है। अब आपको नीचे रूट के अंदर सिक्स पाई तो लाना था, अब ध्यान से चेक करिए इसको आप क्या कर सकते हो, और ये चल किसके इक्वल रहा है, h के इक्वल, तो h इज इक्वल्स टू टू इंटू, ध्यान दीजिए देखो s को क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, s को आप रूट s इंटू रूट s लिख सकते हो, ठीक है। तो इस s को मैंने लिखा रूट s इंटू रूट s और डिवाइडेड बाय, इसको आप वापस से ब्रेक कर लो, वापस से ब्रेक करने का मतलब है इसको समझो, जरा समझो, देखो ये डिनोमिनेटर देखो सिक्स एस पाई है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सिक्स पाई रूट के अंदर और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एस, वापस से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स पाई एस ही तो आएगा, सिक्स एस पाई तो आएगा, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक। तो मैंने लिखा नीचे सिक्स पाई रूट के अंदर इंटू रूट एस, रूट एस से रूट एस गया इज इक्वल्स टू टू रूट ओवर एस अपॉन रूट ओवर सिक्स पाई, अब इस पर भी रूट लगा, इस पर भी तो एक साथ दे सकते हैं, यानी कि टू रूट ओवर होल रूट ओवर सिक्स एस अपॉन सिक्स पाई, ठीक है। तो एच आपका कितना आ गया, एच आ गया आपका टू इंटू रूट ओवर एस अपॉन सिक्स पाई, यानी कि एच आ गया आपका टू इंटू, ये क्या है रूट ओवर एस अपॉन सिक्स पाई, रूट ओवर एस अपॉन सिक्स पाई क्या है, आर ही तो है, तो इसकी जगह हमने आर लिख दिया, ठीक है। रीजन आप दे दीजिएगा, इसको कुछ इक्वेशन बोल दीजिएगा, लेट अस से थ्री फोर जो भी होगी, तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री वी कैन पुट आर हियर, सो हो गया बस, वॉल्यूम मैक्सिमम भी हो गया, और ऐसा कब हुआ, जब h इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2r, यानी कि जो हाइट है वो डायमीटर के इक्वल हो गई। और ये प्रैक्टिकली भी आप समझो, अगर हम आपको बोलें कि भाई गिवन सरफेस एरिया, मतलब हमने आपको एक सिलेंडर बनाने के लिए हमने सपोज एक शीट दे दी, कोई मेटल की शीट दे दी, हमने कहा सिलेंडर बनाओ, तो शीट का एरिया तो फिक्स हो गया, तो हमने बोला कि भाई ऐसा सिलेंडर बनाओ कि जिसमें जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, जैसा सपोज उसमें रसगुल्ले आपको रखने हैं, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम करने के लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, मैथ्स लगानी पड़ेगी, तो आप उस सिलेंडर को इस तरीके से बनाइएगा कि जो हाइट आप रखिएगा ना, जो हाइट आप रखिएगा सिलेंडर की, जैसे कि जो भी इसका रेडियस होगा, तो हाइट आप उसकी 2r करने की पूरी कोशिश करिएगा कि हाइट कितनी हो जाए उसकी 2r हो जाए, यानी कि हाइट जो हो जाए वो डायमीटर के क्या हो जाए इक्वल, या रेडियस के क्या हो जाए टू टाइम्स, रेडियस के टू टाइम्स या डायमीटर के इक्वल, बात क्या ये डायमीटर बोल दो चाहे इसको रेडियस का टू टाइम बोल दो, तो उस टाइम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है फूड के आइटम आ सकते होंगे, तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो इंडस्ट्रीज यूज़ करती होंगी, ठीक है, फूडिंग का जो भी बिजनेस करती है जो सामान पैक करने के लिए। बहरहाल अब हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।